नमस्कार, पीएम विश्वकर्मा योजना ग्राम प्रधान का यूज़र आईडी और पासवर्ड कैसे बनाएं, आइए इस वीडियो में हम आपको स्टेप बाय स्टेप जानकारी देने वाले हैं। अगर आप पीएम विश्वकर्मा योजना का लाभ लेने के लिए रजिस्ट्रेशन करवाए हैं और आपका पंचायत वेरिफिकेशन अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको वीडियो का लिंक मिल जाए, उस वीडियो को देख के आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। कोई साइट पे आ जाना, इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। और यहाँ पे लॉगिन का ऑप्शन है, इस पर क्लिक कर देना है। और यहाँ पे देख सकते हैं एनलिस्ट ग्राम पंचायत प्रधान, इस पर आपको क्लिक कर देना है। और यहाँ पे आपको सीएससी आईडी से लॉगिन हो जाना है, यहाँ सीएससी आईडी डाल देना है, यहाँ पासवर्ड ये वाला कैप्चा फिल करके लॉगिन हो जाना है। तो चलिए हम लॉगिन कर लेते हैं। और यहाँ पे इस तरह का छोटा सा फॉर्म खुलकर आ गया होगा। यहाँ पे देख सकते हैं एनलिस्ट ग्राम प्रधान लॉगिन। यहाँ पे सबसे पहले स्टेट आपका जो भी है वो सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे आपको डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट कर लेना है, आपका डिस्ट्रिक्ट जो भी है। उसके बाद यहाँ पे आपका ब्लॉक जो है वो सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे आपका जो पंचायत है वो सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद सबमिट वाला बटन पे आपको क्लिक कर देना है। और यहाँ पे जो है उसका आधार लिंक मोबाइल नंबर डलेगा, आप आपका जो ग्राम प्रधान है उसको पूछ लीजिएगा कि उनका आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक है, अगर नहीं है तो पहले लिंक करवा लीजिएगा। यहाँ पे उस लिंक वाला जो है मोबाइल नंबर डाल देना है और यहाँ पे आधार नंबर डाल देना, ये वाला कैप्चा यहाँ पे फिल करके यहाँ पे चेक मार्क करके कंटिन्यू पे आपको क्लिक कर देना है। तो चलिए हम फटाफट फिल करते हैं, आगे बढ़ते हैं। उस नंबर पे ओटीपी आया होगा, उस ओटीपी को यहाँ पे फिल कर देना है। उसके बाद यहाँ कंटिन्यू वाला बटन है, इस पर क्लिक कर देना है। उसके बाद इस तरह का जो है पेज खुलकर आएगा, आधार वेरिफिकेशन। यहाँ पे आधार नंबर पहले से ले लिया, यहाँ पे चेक मार्क कर देना है। उसके बाद वेरीफाई बायोमेट्रिक पे आपको क्लिक कर देना है। तो दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अगर आप नए हैं मेरे चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप विश्वकर्मा योजना का लाभ लेने के लिए रजिस्ट्रेशन करवाए हैं और आपका वेरिफिकेशन कंप्लीट नहीं हुआ तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, उस वीडियो को देख के आप पूरा जानकारी ले सकते हैं। वेरीफाई बायोमेट्रिक पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं सेट पासवर्ड का एक वो फॉर्म खुलकर आया है। यहाँ पे आईडी है, जीपी ग्राम प्रधान का जो आईडी है, आईडी जनरेट हो चुका है। और यहाँ पे आपको इंटर पासवर्ड यानी कि एक पासवर्ड बना लेना है और ये वही सेम पासवर्ड इसमें आपको डाल देना है। तो उसके बाद यहाँ पे सबमिट वाला जो बटन है इस पे आपको क्लिक कर देना है। सबमिट वाला बटन पे क्लिक करने के बाद आपका जो यूजर आईडी और उसका पासवर्ड जो है वो सक्सेसफुली जनरेट हो चुका है, अब इसको लॉगिन करना है। चलिए लॉगिन कहाँ से करना है वो हम आपको बता देते हैं। फिर से आपको इसी पेज पे आ जाना है, लॉगिन वाला बटन जो है इस पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे वेरिफिकेशन लॉगिन, इस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं ग्राम प्रधान लॉगिन, इस पर आपको क्लिक कर देना है। इस तरह का एक छोटा सा पॉपअप विंडो खुलकर आया है। इस वाले बॉक्स में आपको यहाँ पे ग्राम पंचायत सेलेक्ट कर लेना है और यहाँ पे आपका जो यूजर आईडी बना है वो डाल देना है और यहाँ पे जो पासवर्ड बनाए थे वो पासवर्ड यहाँ पे फिल कर देना है। उसके बाद इस बॉक्स में चेक मार्क कर देना है, ये वाला कैप्चा जो है यहाँ पे आपको डाल देना। अगर ये कैप्चा समझ में ना आए तो यहाँ से आप दूसरा कैप्चा ले सकते हैं। उसके बाद सिंगिन पे आपको क्लिक कर देना है। अगर आप यूजर आईडी और पासवर्ड भूल चुके हैं तो यहाँ पे देख सकते हैं फॉरगेट यूजर नेम और फॉरगेट पासवर्ड, यहाँ से आप नया पासवर्ड बना सकते हैं और यहाँ से आपका जो यूजर नेम क्या है वो पता कर सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं आने वाले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।